Hello students, in last video we have completed the nervous system. So in this chapter, in this video we are going to revise entire nervous system whatever we have studied in previous videos. तो आज हम जरा जो चीजें पहले हमने की हुई है उनको ही रिवाइज करते हैं. So in this chapter that is nervous system, very first we have seen nervous system is made up of a special kind of cells. और वो सेल्स को हमने कहा था न्यूरॉन. तो वेरी फर्स्ट ये चैप्टर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा था. अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन जैसे कि बाकी के सेल्स है वैसे ही ये भी सेल है. और यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी. वेरी फर्स्ट देयर विल बी सेल बॉडी, और सेल बॉडी के कुछ एक्सटेंशन होंगे. तो जो छोटे छोटे एक्सटेंशन है या फिर प्रोसेसेस है उन्हें हमने डेंड्राइट्स कहा था, लेकिन जो लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन है उसे हम कहेंगे एक्सॉन. ये सारी इंफॉर्मेशन हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में देखी थी. देन जिस प्रकार से मैंने वेरी स्टार्टिंग वीडियो में भी बताया था कि न्यूरॉन इज ऑल्सो सेल, जिस प्रकार से बाकी सेल्स होते हैं वैसे ही न्यूरॉन भी एक सेल है. लेकिन बाकी सेल्स में और न्यूरॉन्स में क्या फर्क है, तो सभी ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स की तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स नहीं है. सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन न्यूरॉन, और सेंट्रियोल्स के एब्सेंस की वजह से ये जो न्यूरॉन्स है वो आगे जाकर डिवाइड होने वाले नहीं है. इसलिए एक बार जो न्यूरॉन्स बन जाते हैं उनका आगे जाके डिविजन होने वाला नहीं है. 6 ईयर्स तक जो ब्रेन है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि तब तक न्यूरॉन जो है वो डिवाइड होंगे. बट आफ्टर दैट दे विल लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड. दैट्स व्हाई एक बार न्यूरॉन्स अगर आपके मर गए तो फिर से नए न्यूरॉन्स आने वाले नहीं है. जैसे कि बाकी के अगर हमारे बॉडी के सेल्स है तो वो थोड़े बहुत मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स का जो है मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स. उसके बाद में हमने बात की हुई है न्यूरॉन्स के टाइप्स के बारे में. तो अगर हम न्यूरॉन्स के टाइप्स की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ माइग्नेटेड शीट, जो फैटी शीट है अराउंड द एक्सॉन, वो प्रेजेंट है या नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. वो बेसिस के ऊपर दो न्यूरॉन्स का टाइप हमने देखा है, माइग्नेटेड एंड नॉन माइग्नेटेड. उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं उनके फंक्शंस या फिर उनका कंडक्शन किस प्रकार से हो रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ऑल्सो हैव सीन 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं बॉडी पार्ट्स और रिसेप्टर ऑर्गन टू CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उनके पास वो लेकर जाएंगे. लेकिन अगर हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स की, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम CNS टू इफेक्टर ऑर्गन. तो ये भी डिफरेंसेस हमने देखे थे. इंटरमीडिएट न्यूरॉन दोनों के बीच में क्या रहेंगे, मतलब उनका फंक्शन हम उन्हें सेंसरी या मोटर में कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे. तो ये सारे टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ कंडक्शन, वेदर दे आर कंडक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन्स टू CNS और फ्रॉम CNS टू इफेक्टर ऑर्गन. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन क्लासीफाई देम. नेक्स्ट द क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन इज हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस यू कैन क्लासीफाई न्यूरॉन्स इन 3 टाइप्स. वेरी फर्स्ट जो टाइप है दैट इज नोन एज यूनिपोलर न्यूरॉन. यू आर गेटिंग द मीनिंग यूनि, दैट मीन्स सिंगल. सो सिंगल प्रोसेस विल बी देयर. सच अ काइंड ऑफ न्यूरॉन्स हैविंग ओनली वन प्रोसेस, तो उसे हम कहेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन्स. गैंग्लियन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इससे बने होते हैं. देन बायपोलर न्यूरॉन्स, बायपोलर न्यूरॉन्स में यू विल बी एबल टू सी टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेसेस यहाँ पर होंगे. हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई के अंदर बायपोलर न्यूरॉन्स के बारे में देखा था. और अगर हम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, मतलब ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, तो वहां पर जो मेनली न्यूरॉन्स है दे आर ऑफ मल्टीपोलर टाइप. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस न्यूरॉन्स आर अगेन ऑफ 3 टाइप्स, आइदर यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर. सिंगल प्रोसेस यूनिपोलर, अगर दो प्रोसेसेस है तो उसे हम कहेंगे
बाइपोलर और दो से ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने ड्रॉ किया था, वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने ड्रॉ किया था और वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने प्रॉपरली देखा हुआ था। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरॉन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सो न्यूरॉन इज नथिंग बट द सेल एंड इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। वो हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि सारे के सारे स्ट्रक्चर न्यूरॉन से बने हुए हैं। और फंक्शनल क्यों? क्योंकि हमारे जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन है वो सिर्फ न्यूरॉन्स की वजह से ही होने वाला है। सो दैट्स व्हाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरोग्लियल सेल्स आर ऑल्सो देयर बट दे आर नथिंग बट दी असिस्टेंट टू दी न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं लेकिन वो सपोर्टिव एज अ सपोर्टिव सेल काम करते हैं न्यूरॉन्स के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट है और वो मल्टीप्लाई नहीं होने वाले है। 6 साल के बच्चे का जो ब्रेन है उसका पूरा डेवलपमेंट हो चुका है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर न्यूरॉन का बाद में डिवीजन नहीं हो रहा है, न्यूरॉन्स अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो 6 साल के बच्चे का ब्रेन और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है दोनों का साइज तो सेम नहीं है, तो वो साइज कैसे इंक्रीज हुआ? तो वहां पर न्यूरॉन्स तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स जरूर डिवाइड हो रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है कि वो असिस्टेंट टू न्यूरॉन्स होते हैं। सो न्यूरोग्लियल सेल्स कैन डिवाइड बट न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड। आफ्टर दिस वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटायर नर्वस सिस्टम। सो एंटायर नर्वस सिस्टम of human being can be classified into 3 categories. Very first is known as CNS, that means central nervous system. After that there will be PNS, that means peripheral nervous system, and then ANS, that means autonomic nervous system. अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो वहां पर दो चीजों के बारे में हमने काफी डिटेल में स्टडी किया हुआ है, that is brain and spinal cord. तो ब्रेन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली थी कि वो ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, क्रेनियम इज नथिंग बट दी ब्रेन बॉक्स, और वो ब्रेन बॉक्स के अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट है लेकिन ये जो ब्रेन है दैट ब्रेन इज कवर्ड बाय कवरिंग, और वो कवरिंग्स को हम कहेंगे मेनिंजेस। ये जो मेनिंजेस है उसमें 3 मेनिंजेस आर देयर, या फिर 3 कवरिंग्स है यहाँ पर, आउटर मोस्ट, मिडल एंड इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट को हमने ड्यूरामेटर कहा था, उसके जस्ट नीचे एरेक्नॉइड रहेगा और उसके एकदम नीचे जो रहेगा वो रहेगा पियामेटर, और पियामेटर के नीचे आपका ब्रेन प्रेजेंट होगा। वो पूरा स्ट्रक्चर हमने प्रॉपरली देखा हुआ है। तो आउटर मोस्ट, ड्यूरामेटर एंड एरेक्नॉइड, ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच में का जो स्पेस रहेगा उसे हमने सब ड्यूरल स्पेस नाम दिया था, जो भरा होता है या फिर वहां पर प्रेजेंट होता है सेरस फ्रूइड। उसी प्रकार से एरेक्नॉइड और पियामेटर, ये दोनों के बीच में स्पेस रहेगा, इसे हम कहेंगे सब एरेक्नॉइड स्पेस, एंड दिस स्पेस इज फिल्ड विद सेरेब्रो स्पाइनल फ्रूइड। बिलो दैट देयर विल बी ब्रेन, और हमारा जो ब्रेन है वो लिटरली इट इज फ्लोटिंग इन टू दी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर मान लो फ्लोट हो रहा है, यही रीजन है कि अपने जो ब्रेन का वेट है वो नियर अबाउट 1.4-1.5 kg है लेकिन वो सिर्फ 800 ग्राम्स के आसपास ही फील होता है, उस बहुत कम फील होता है। उसका रीजन क्या है कि ये जो ब्रेन है वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में फ्लोट हो रहा है। So this things we have seen. After that we have concentrated on the very first part of CNS, that is brain. तो brain का सबसे पहला, CNS का सबसे पहला part brain, अगर हम brain की बात करते हैं तो it is divided, for the sake of understanding, it is divided into 3 parts. Very first is known as forebrain, then midbrain, and there will be hindbrain. अगर फोरब्रेन की हम बात करते हैं तो फोरब्रेन में वेरी फर्स्ट वी हैव टेकन इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं वो 2 पार्ट से बने होते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। दे आर रिलेटेड विथ योर स्मेल सेंसेशन। हमें जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वहां पर होंगे और ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द स्मेल। आफ्टर दैट वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मेजर पार्ट ऑफ
forehead, that is nothing but the cerebrum. Cerebrum is divided into two parts because of longitudinal fissure, और उसके वजह से सेरेब्रम के दो पार्ट्स होते हैं, जिसे हमने हेमिस्फीयर कहा था, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, दोनों को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसे हमने कहा था कॉर्पस कैलोसम, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, जो मैमल से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सिर्फ मैमल्स में ही वो पाया जाएगा. आफ्टर दैट वी हैव सीन इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम के जो अलग अलग एरियाज है उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखा है. सेरेब्रम का आउटर पार्ट को हमने कॉर्टेक्स कहा था, इनर पार्ट को हम मेडुला कहेंगे. अब जो कॉर्टेक्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स बिकॉज ऑफ थ्री सल्काई, थ्री सल्काई की वजह से फोर लोब्स में आपका कॉर्टेक्स डिवाइडेड होता है. और उसमें सबसे पहले हमने फ्रंटल लोब देखा था, फ्रंटल लोब से एसोसिएटेड एरियाज के बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखी थी. देन वी हैव ऑल्सो टेकन इंफॉर्मेशन अबाउट दी पैराइटल लोब, पैराइटल लोब में क्या क्या है वो हमने देखा था, टेम्पोरल लोब, एंड वी ऑल्सो हैव टेकन इंफॉर्मेशन अबाउट दी ऑक्सीपिटल लोब. दैट मीन्स हियर वी हैव टेकन इंफॉर्मेशन अबाउट दी लोब्स ऑफ सेरेब्रम, एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो हैव सीन डिफरेंट कैविटीज प्रेजेंट इन टू दी सेरेब्रम, या फिर डिफरेंट कैविटीज प्रेजेंट इन टू दी ब्रेन. वो जो कैविटीज है उनको हमने कहा था वेंट्रिकल्स, और वो चारों वेंट्रिकल्स का पोजिशन, कौन सा वेंट्रिकल का कहाँ से ओपनिंग हो रहा है, वो पूरा इंफॉर्मेशन हमने उस वीडियोज के अंदर देखा हुआ है. यू कैन सिंपली गो एंड रिवाइज एंटायर द टॉपिक अगेन. आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर हमने सेरेब्रम के बाद में बात की थी डायनसेफेलॉन के बारे में. तो डायनसेफेलॉन को मैंने आपको बताया था कि दिस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. सबसे ऊपर का एपिथैलेमस, उसके बीच में का जो पार्ट है दैट इज थैलेमस, और एकदम नीचे का जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस. और कौन से एरिया में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो हमने देखने के बाद हाइपोथैलेमस के ऊपर हमने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया था कि यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट. और ये सारी चीज़ों के बारे में जानने के बाद हमने ये भी जाना था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. दैट्स व्हाई बॉडी का जो रियल मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमने हाइपोथैलेमस को कहा था. आफ्टर दी तो डायनसेफेलॉन के बाद में वी हैव फिनिश दी फोरब्रेन. फिर हमने मिडब्रेन के बारे में देखा था. तो मिडब्रेन में हमने कॉर्टेक्स जेमिना और क्रूया सेरेब्री, ये दो स्ट्रक्चर देखे थे. कॉर्टेक्स जेमिना दैट मीन्स फोर लोब्स यहाँ पर प्रेजेंट है, सुपीरियर लोब्स एंड इन्फीरियर लोब्स. सुपीरियर लोब्स का फंक्शन क्या होता है, मोमेंट ऑफ हेड अकॉर्डिंग टू लाइट सेंसेशन, ये सुपीरियर लोब्स का काम है. लेकिन मोमेंट ऑफ हेड अकॉर्डिंग टू साउंड सेंसेशन, ये लोअर लोब्स का काम है. और इसका मिलके बनेगा कॉर्टेक्स जेमिना, इसके अलावा क्रूया सेरेब्री, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हुए हैं. मिड ब्रेन के बाद हमने इंफॉर्मेशन हाइंड ब्रेन के बारे में देखा है कि हाइंड ब्रेन इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. यहाँ पर सेरेबेलम विल बी देयर, पॉन्स विल बी देयर, एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा विल बी देयर. सेरेबेलम जो है वो भी, सेरेबेलम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. आफ्टर सेरेब्रम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट मेजर्स नियर अबाउट 11% ऑफ टोटल ब्रेन, वो है आपका सेरेबेलम. और ये जो सेरेबेलम है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू लोब्स, लेकिन ये फाइव लोब्स में डिवाइडेड होता है. वो इंफॉर्मेशन भी हमने देखी है. सेरेबेलम इज एसोसिएटेड विथ बॉडी बैलेंस, बॉडी पोस्चर एंड स्पीकिंग. अगर मैंने तभी भी आपको बताया था कि अल्कोहलिक पर्सन जो जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं एट दैट टाइम सेरेबेलम विल गेट अफेक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन विल लूज द कंट्रोल ऑन बॉडी, ही विल बिहेव इन अ स्ट्रेंज वे. सो दैट काइंड ऑफ थिंग प्रूव्स सेरेबेलम इज एसोसिएटेड विद बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर. आफ्टर दैट वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन पॉन्स. ये पॉन्स या फिर पॉन्स वगैरह ये जो पार्ट है वो उसके बारे में हमने देखा था कि रेस्पिरेशन सेंटर है. एंड देन वी हैव टेकन इंफॉर्मेशन अबाउट मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो पार्ट होता है वो एक्सटेंड होता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और ये पार्ट भी वाइटल एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है. मतलब हमारा जो हिकअप्स है, योनिंग है,
ब्रीदिंग है, ये सारे प्रोसेसेस को वो कंट्रोल करने वाला है। अगर इसको भी सडन डैमेज होता है तो देर मे बी द डेथ ऑफ द पर्सन। ड्यूरिंग द हैंगिंग पोजिशन, जब हैंग किया जाता है किसी को एज अ पनिशमेंट, तो एट दैट टाइम जो स्पाइनल कॉर्ड और मिडल ऑब्लिगेटा है उनके बीच में कनेक्शन ब्रेक हो जाता है सडन हैंगिंग की वजह से, एंड ये जो वाइटल एक्टिविटीज है दैट विल सडनली स्टॉप, ड्यू टू विच द पर्सन विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ और एनी वाइटल एक्टिविटी विल नॉट बी, इवन हार्ट बीट ऑल्सो विल गेट स्टॉप। सो दैट्स वाई सडन डेथ ऑफ द पर्सन विल बी सीन। सो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई है। और CNS ब्रेन के बाद में वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन स्पाइनल कॉर्ड, कि जिस प्रकार से ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस एंड मेनिंजेस के बाहर रहेगा क्रेनियम, इन द सेम वे स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस, लेकिन इंस्टेड ऑफ क्रेनियम नाउ देर विल बी वर्टिबल कॉलम। और जिस प्रकार से हमने सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड और दूसरे फ्लूइड्स वहां पर देखे थे, वैसे यहाँ पर भी फ्लूइड्स रहेंगे और ये जो पार्ट है दिस स्पाइनल कॉर्ड विल ऑल्सो गेट प्रोटेक्टेड। नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नैरो होते जाएगा, और नैरो होने के बाद में एक वक्त ऐसा आएगा कि दिस स्ट्रक्चर विल लुक लाइक टेल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो वो सारा स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है। आफ्टर दैट वी हैव टेकन इंफॉर्मेशन अबाउट दी PNS, दैट मीन्स पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम CNS और मर्जिंग और गोइंग इन टू दी CNS, उनका मिलके पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में हमने क्रेनियल नर्व्स के बारे में देखा है, स्पाइनल नर्व्स के बारे में देखा है। तो क्रेनियल नर्व जो होते हैं उसके 12 पेयर्स होते हैं, वो कैसे याद रखने हैं उसका भी ट्रिक मैंने आपको दिया हुआ था। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 31 पेयर्स होते हैं, और ये सारे के सारे मिक्स्ड होते हैं। मिक्स का मतलब होता है कि ये सेंसरी एंड मोटार बोथ का काम करते हैं। लेकिन अगर हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें से कुछ जो है वो सेंसरी है, कुछ जो है वो मोचार है, और कुछ जो है वो मिक्स है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में सभी के सभी मिक्स होते हैं। देन वी ऑल्सो हैव सीन टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वहां पर किस प्रकार से डॉर्सल रूट दोनों के मर्जिंग की वजह से डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल वेंट्रल हॉर्न, दोनों के डॉर्सल रूट वेंट्रल रूट और दोनों मर्ज होकर किस प्रकार से वहां पर स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने देखी हुई है। Then we also have talked about ANS, that means autonomic nervous system. This autonomic nervous system का sympathetic and parasympathetic ऐसे structures हमने देखे हुए हैं। That means यहाँ पर we have completed the central nervous system, PNS and ANS. ये सारी चीजों के बाद में हमने देखा था impulses के बारे में, कि how the polarized neurons will achieve the डीपोलराइज्ड स्टेट एंड रीपोलराइज्ड स्टेट। जब कंडक्शन नहीं हो रहा है, जब इंपल्सिस पास नहीं हो रहे हैं, तो वो कंडीशन को हम कहने वाले हैं पोलराइज्ड स्टेट। और वहां पर सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन देखी थी। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट दिस डीपोलराइज्ड स्टेट, मतलब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, सोडियम का एंट्री हो जाएगा, सोडियम गेट विल ओपन, सोडियम विल एंटर इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर विल बी एक्शन पोटेंशियल विल डेवलप, एंड बिकॉज ऑफ दिस देर विल बी इम्पल्सेस विल गेट कंडक्टेड। वो प्रोसेस कैसे होता है, पोलराइज स्टेट कैसे डीपोलराइज होता है, फिर से जब सोडियम आयंस बाहर जाएंगे तो किस प्रकार से वो रीपोलराइज स्टेट में जाता है, ये सारी चीजें हमने देखी हुई है। आफ्टर इम्पल्सिस के कंडक्शन के बाद में वी ऑल्सो हैव चेक इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सिनेप्सिस। तो सिनेप्स का मतलब होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में का जंक्शन, लेकिन दो न्यूरॉन का मतलब फर्स्ट न्यूरॉन का जो एक्सोनिक एंड है वो, और एडजेसेंट या फिर नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है उनके बीच में देयर विल बी गैप, और वो गैप को हम कहेंगे सिनेप्स। और इसके बेसिस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और उसके बाद में केमिकल सिनेप्स, दोनों के बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखी हुई है, वो टाइप्स के बारे में देखी हुई है। अब ये इम्पल्सिस वगैरह ये सब को यूज करके हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या,
रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है ऐसे ऐसा एक्शन जो सडनली होता है, ऑटोमेटिकली होता है और जो गवर्न किया जाता है मेनली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, तो उसे हम कहने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो होने के लिए या फिर रिफ्लेक्स एक्शन का जो यूनिट है वो है रिफ्लेक्स आर्म। सो पाथवे बाय विच द रिफ्लेक्स एक्शन इज टेकिंग प्लेस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो रिफ्लेक्स आर्क है उसके फाइव कंपोनेंट्स के बारे में हमने देखा था। वेरी फर्स्ट देयर विल बी रिसेप्टर, देन देयर विल बी सेंसरी न्यूरॉन, देन देयर विल बी इंटरमीडिएट न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर ऑर्गन। फिर कंडीशनल अनकंडीशनल किस प्रकार से है या फिर इनेट और जो बाद में डेवलप होने वाले रिफ्लेक्स एक्शन कौन कौन से हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमने देखी हुई है। और ये सारी चीजों के बाद में वी हैव टेकन इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन में हमने सबसे पहले आईज के बारे में देखा और फिर उसके बाद में हमने ईयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखा है कि किस प्रकार से आईज के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, कौन कौन से लेयर्स है, और उसके बाद में द मैकेनिज्म ऑफ विजन हमने देखा। आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, इनर ईयर का वेस्टिबुलर पार्ट, कॉक्लियर पार्ट, और उसके बाद में द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग ऑल्सो वी हैव स्टडीड। तो ये सारी चीजें हमने देखी हुई है इन द चैप्टर नर्वस सिस्टम। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर।